पेयजल निगम चंबा में कर्मचारियों की अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर विगत कई दिनों से चल रहा कार्य बहिष्कार धरना प्रदर्शन आज पांचवें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग का शासनादेश नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और सरकार द्वारा शीघ्र ही अगर उनकी मांग पर कार्यवाही नहीं की गई तो कर्मचारी द्वारा आंदोलन को उग्र किया जाएगा। आपको बता दें कि पेयजल निगम कर्मचारी प्रांतीय कार्यकारिणी की आह्वान पर विगत कई दिनों से अपनी मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। सरकार की कुछ होश नहीं है जनता के प्रति, क्योंकि जनता के है, कार्मिक भी है। एक कार्मिक के जो है अनशन पे रहते रहते स्वास्थ्य खराब हो गया है, प्रशासन ने उन्हें जबरन उठा दिया है। ये जो है एक उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है, न कि जनता के प्रति, कार्मिकों के प्रति कोई जो है मांग पूरी की जाए। जिससे जो है हमारी कोई ऐसी मांग नहीं, नई मांग नहीं है। हमारी मांग एक जायज मांग है। देश के जो है 28 राज्यों में से 22 राज्यों में से पेयजल निगम एक ही विभाग है जो पेयजल व्यवस्था को देखता है, वो राजकीय विभाग है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण विभाग है, जनता से भी जुड़ा हुआ विभाग है। हमारे पास के पड़ोस के राज्य हिमाचल जो अभी बना है, जैसे उत्तराखंड बना है, वहाँ भी राजकीय विभाग है, क्योंकि यहाँ अलग अलग कई विभाग बना दिए पेयजल के। जो महत्वपूर्ण विभाग है जनता से विभाग है, जल निगम है, जल संस्थान है, स्वजल है। जनता यूँ आक्रोश में रहती है, परेशान हो जाती है, अगर किसी में पानी आता है जल निगम में जाता है, जल निगम उससे बोलते हैं कि ये गांव हमारे पास नहीं है, जल संस्थान के पास है, जल संस्थान स्वजल के पास बैठते हैं। तो जनता दर दर भटक रही है, इसलिए क्योंकि भ्रांतियाँ पैदा हो गई है। अगर एक ही होता, एक ही विभाग होता, एक जिम्मेदार होता तो उसके प्रति होता। साथ में क्या है कि महत्वपूर्ण विभाग है, इसको सरकार ने रखा है कि इसके संटेज आधारित पे आज की स्थिति में काम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार के जो और विभाग भी है, राजकीय विभाग है, निर्माण से जुड़े हुए हमारे इंजीनियरिंग है, जैसे PWD है, सिंचाई विभाग है, सभी राजकीय विभाग है, जिनका जो है अधिष्ठान का खर्चा जो 40% पे आता है। ये महत्वपूर्ण जनता से जुड़ा हुआ है, आवश्यक सेवा है, इसके लिए सरकार बोल रही है कि केवल 12% पे ही काम करेंगे, लेकिन उस 12% को भी सरकार समय पे नहीं दे रही है। हम लोगों को 3-4 महीने हो गए हैं, वेतन नहीं मिल पा रही है। अभी हमारे नवयुक्त कर्मचारी अभियंता जो है नियुक्त हुए हैं, उनको भी यह आशा है कि मिलेगी तनख्वाह, नहीं मिलेगी। उससे क्या हो रहा है कि लोग यहाँ जो इंजीनियर आते अच्छे हैं, लेकिन 1-2 साल नौकरी करते हैं, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं दूसरे विभाग में। क्यों? जबकि अच्छा विभाग है, जनसेवा से जुड़ा हुआ है, यहाँ समय पे लोगों को वेतन नहीं मिलती है, लोगों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।